दाढ़ी के बालों को सॉफ्ट मुलायम कैसे करें? अगर आपके दाढ़ी के बाल भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, टाइट है, तो उनको सॉफ्ट करने का क्या तरीका होता है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आइए मंदिर, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लगभग लगभग 99% लोग दाढ़ी उगा लेते हैं, दाढ़ी आ भी जाती है, लेकिन बहुत से लोगों की जो दाढ़ी होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उनके जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं और वो एकदम बिखरे हुए रहते हैं, सेट नहीं हो पाते हैं। तो दाढ़ी अगर आप बड़ी करना चाहते हो, अगर आपकी बियर्ड अच्छी है, तो आप जब तक आप उसको स्टाइलिश नहीं करोगे तब तक आपकी बियर्ड अच्छी नहीं लगनी है। तो दाढ़ी को सॉफ्ट जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो स्टाइलिश नहीं होनी है। तो सॉफ्ट दाढ़ी आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको दो प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा, एक तो एलोवेरा जेल और एक आपको कोकोनट ऑयल आपको लेके आना पड़ेगी। ये 20 रुपये का आता है, ये 50 रुपये का आता है, 70 रुपये में आपकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम हो जाएगी। तो इन दोनों का यूज़ आपको कैसे करना है, अगर आपको पता चल गया तो आप आपकी दाढ़ी को 1 मिनट में सॉफ्ट मुलायम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप नहाने जा रहे हो यानी आप नहाने से 15 मिनट पहले आपको एलोवेरा जेल लेना है और इसको लेके आपकी दाढ़ी पे लगाना, दाढ़ी की मसाज करना है। दाढ़ी की मसाज करना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। मसाज करने के बाद आप 15 से 20 मिनट आप इसको आराम से रखें, 1-2 मिनट तक मसाज करके 15 से 20 मिनट आप इसको लगे रहने दें आपके फेस में, तो आप देखोगे कि आपके दाढ़ी के बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको नहा लेना है जाके। फिर नहाने के बाद आप पानी को साफ करके, पानी को पोंछ के, फिर इसके बाद आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करना है आपकी दाढ़ी में। आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, नाइट डे में कभी भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सोने से पहले आप यूज़ करोगे तभी भी आपको फेस वॉश करना है, और आप इसको नहाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके 5 ड्रॉप लेके आप इसको स्मूथली आपके बियर्ड के हेयर्स पे लगा सकते हैं। इन दोनों तरीकों से या इन दोनों प्रोडक्ट से आपकी जो दाढ़ी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की मुलायम हो जाएगी और जो आपको हार्ड हेयर्स की प्रॉब्लम से ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट हेयर्स की प्रॉब्लम से वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों होम ट्रीटमेंट्स होते हैं, यानी इसमें कोई ज़्यादा केमिकल नहीं होता। आप चाहो तो आपके अगर घर पर भी अगर एलोवेरा का पेड़ है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, नारियल के तेल से आप घर पर भी नारियल का तेल निकाल सकते हो, फिर इसमें कोई ज़्यादा केमिकल नहीं होता। 70 रुपये में आप आपकी दाढ़ी को सॉफ्ट मुलायम कर सकते हैं और इससे आपकी दाढ़ी भी ग्रोथ करेगी और आपकी दाढ़ी के अंदर पिंपल्स भी नहीं आएंगे और आपकी दाढ़ी ब्लैक और अट्रैक्टिव भी दिखेगी। तो आप आपकी दाढ़ी को सॉफ्ट सिल्की कर सकते हैं दोनों ट्रीटमेंट से। मेरे जो मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट्स करना है। किसी भी एज वाले इन दोनों ट्रीटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी ये यूज़ कर सकता है, और दाढ़ी को फास्ट ग्रोथ करना चाहता है तो वो भी इस ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकता है। लेकिन लगाने का तरीका है, आपको नहाने से 15-20 मिनट बाद पहले आपको एलोवेरा जेल लगाना है और फिर आपको नहाने के बाद पानी साफ करके आपको कोकोनट ऑयल लगाना है। इसको आप डे में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, एक बार नाइट में, एक बार डे में। बाकी आपको जो भी कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए, भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।